उत्तरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विजयादशमी के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। विजयादशमी के अवसर पर जलपाईगुड़ी जिले के माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक बाढ़ आ गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि कम से कम 8 लोगों के डूबने की और उनकी मौत की खबर सामने आई है, जबकि अन्य लापता हैं। मौतों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आप भी देखिए वो वीडियो। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में माल नदी में अचानक बाढ़ आ गई और इसके बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचे लोग तेज बहाव में बहने लगे। बाढ़ में कुछ 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी मौमिता गोदरा ने कहा है कि अचानक आई बाढ़ में लोग बह गए। अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं और हमने करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला है। उन्होंने कहा कि खोज और बचाव अभियान जारी है। NDRF, SDRF, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है और मौतों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। बुधवार को देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी के माल बाजार में माल नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और नागरिक सुरक्षा को बचाव अभियान में लगा गया, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। इससे पहले जलपाईगुड़ी बाढ़ की घटनाओं के बारे में बोलते हुए जलपाईगुड़ी के SP देवर्षि दत्ता ने बताया कि दुर्गा विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी में माल नदी में अचानक बाढ़ आई है और 7 से 8 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग लापता होने की आशंका है और कई लोग नदी में फंस चुके हैं। कईयों को बाहर भी निकाला जा चुका है, साथ ही 8 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। वहीं जलपाईगुड़ी की बाढ़ की घटना को लेकर PM मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी में बाढ़ की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में PM मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुई दुर्घटना से दुखी हूँ, अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना है। वहीं भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जलपाईगुड़ी की घटना को दुखद बताया और प्रशासन से बचाव प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। अधिकारी ने एक ट्वीट में कहा कि मैं जलपाईगुड़ी के DM और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से बचाव के प्रयासों को तत्काल तेज करने और संकट में पड़े लोगों को सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।